प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रेवाड़ी से। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भाई ने उन पर ही निशाना साधा है। आपको बता दें कि अजीत सिंह ने अपने बड़े भाई राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा है और इसके साथ ही उन्होंने इंद्रजीत को किसान विरोधी बताया है। उनका कहना है कि कुर्सी के लिए रामपुरा हाउस की राजनीति को गिरवी रख दिया गया और उनका ये भी कहना है कि 90% कार्यकर्ताओं को तो उनके मंत्रालय के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। अजीत सिंह ने अपने बड़े भाई पर निशाना साधते हुए कहा है कि टूटी कुर्सी की खातिर कांग्रेस को छोड़कर वो भाजपा में शामिल हुए थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो रेवाड़ी से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के छोटे भाई ने उन पर ही निशाना साधा है और उनके छोटे भाई अजीत सिंह ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत तो किसान विरोधी है, उन्होंने कुर्सी के लिए रामपुरा हाउस की राजनीति को गिरवी रख दिया। और इसके साथ ही अजीत सिंह ने निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि 90% कार्यकर्ताओं को तो उनके मंत्रालय की कोई जानकारी ही नहीं है और वे तो टूटी कुर्सी की खातिर कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसमें विशेष यही है कि कांग्रेस पार्टी का पूरा पूरा समर्थन करेगा रामपुरा हाउस। हम छोटे को भी थोड़ा टाइट करेंगे, वो भी एक्टिव हो। और मैं आपको बता तो रहा हूँ एक बहुत कड़वी सी बात, लेकिन असलियत है कि इंद्रजीत सिंह ने रामपुरा हाउस की राजनीति को जगह जगह गिरवी रखा है और सिर्फ एक अपनी कुर्सी लेने के लिए। और आप यकीन मानिए कि केंद्र में बेशक से मंत्री तो कहलाते हैं वो, लेकिन मंत्री किस चीज़ के हैं, किस महकमे के हैं, और जो भी उनके पास डिपार्टमेंट रहा है उस डिपार्टमेंट ने हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रांत के लिए क्या कर दिया। ठीक है, सारी जिंदगी 35 साल अपनी राजनीतिक जिंदगी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में गुजारी और जैसे ही देखा कि कांग्रेस का ग्राफ डाउन हो रहा है तो एकदम सही बदल गए रातों रात, और एक टूटी हुई कुर्सी लेने के लिए। आज अगर आप किसी आम आदमी से, उनके वोटर से पूछिए तो इंद्रजीत सिंह आपके पास महकमा कौन सा है, के तुम्हारे नेताजी के पास महकमा कौन सा है, तो मेरे ख्याल में 90-95% ऐसे लोग होंगे यहाँ के उनके वोटर जो बता भी नहीं पाएंगे कि नेताजी के पास कौन सा मंत्रालय है। अभी जिस किसानों के बिल्कुल साथ हैं, मैं खुद किसान हूँ, ठीक है, और किसान ही नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं आपके अहिरवाल में मैं सबसे बड़ा विश्वदार हूँ। मैं मेरा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी मैं खेती करता हूँ और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में भी मैं खेती करता हूँ और खेती करता हूँ अव्वल, ऐसे ही नहीं कि बीज गिर दिया। और मैं तो ऐसी खेती करता हूँ कि नई नई, चाहे बेशक से मुझे साल दो साल चाहे नुकसान भी हो और छोड़नी भी पड़ जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि नई नई यहाँ, कि सिर्फ ये नहीं कि सरसों गेहूँ, मैं ऐसी एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ। 26 को कितने ट्रैक्टर लेके जाएंगे यहाँ से? मेरे पास तो 5 ट्रैक्टर हैं, वो 5 जाएंगे। एक कांग्रेस के शासन में विकास हुआ है इस अभी फिलहाल योजना में मौजूदा सरकार? अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे गांव में तो जरूर काम हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ बावल के विधायक ने इस गांव को अडॉप्ट कर लिया था जी। तो और सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर यहाँ ये काम हुआ है और विधायक ने अडॉप्ट किया है, वो तो इसलिए किया है क्योंकि मेरे घर से सरपंच है यहाँ जी, जी। दोबारा दूसरी बार, और मैं समझता हूँ कि हमारे घर में से पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई महिला पैदल घूमती है हमारे रामपुरा गांव की गलियों में, और ख़ास तौर पर हमारी जो हरिजन बस्ती कहलाती है उसमें तो अगर कोई जनरल में से कोई सरपंच बनता है तो मेरे ख्याल में कोई वहाँ तो देखने तक भी नहीं जाता। हाँ, मेरी घरवाली तो रात के 8-8 बजे तक घूमने जाती है ये देखने के लिए कि किसने शराब पी रखी है और कौन अपनी बीवी के साथ अत्याचार कर रहा है। इतना साफ यकीन नहीं होता, वाओ।
इसके बर्तन तो हमेशा नए लगते हैं। ये है विस्मा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कमाल, सुरक्षा शत प्रतिशत और सफाई बेमिसाल, हर माँ की पसंद। विस्मा।